मुस्लिम समुदाय का कुर्बानी से जुड़ा त्यौहार ईद उल अज़हा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये कुछ खास झलकियां हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पूरे उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है और अमन चैन की दुआ की जा रही है। बकरीद के मौके पर मौलवी व अन्य नमाजियों ने इस त्यौहार के महत्व की बात की। उलुल आज़म पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद मनाते हैं, उसी में नमाज भी पढ़ते हैं और आपस में भाईचारा और मिल्लत का भी एक पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है कि भाईचारा रखो, आपस में मोहब्बत रखो। कि तमाम जो बहुत खुशी का मकाम है, ईद है तो कुर्बानी की तैयारी भी करनी है आज, इंशाल्लाह कुर्बानी भी करनी है। उसमें से तीन हिस्से करने हैं, एक तो अपने लिए भी रख सकते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। तो हर कोई खुशी रहे, हर कोई, हाँ पूरे आलम में बिल्कुल बिल्कुल सब के लिए दुआ की, अपने फैमिली के लिए जो हमारे मरहूम जो रिश्तेदार है जो अभी नहीं है उनके लिए भी दुआ की, पूरे हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। इंशाल्लाह ये अमन का बाइस बने ये ईद इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक बार फिर हमें खुसूसन सनवार के लोगों को ये मौका मिला कि इस ईदगाह में आज फिर एक साथ मिल के ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाए। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए मसरत, बबरकत और शफ़त का ज़रिया बनाए, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि हर जगह ऐसे अमन अमान का पैगाम पहुंचाया गया होगा ईद उल अज़हा के मौके पे। और ईद उल अज़हा के मौके पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ खुसूसन नौजवान को, जितने भी बुरी मसरत है, बुरी चीज़ें हैं उनसे बचें और जोक दर जोक ईदगाह तक पहुँचे, और कुर्बानी का जो सुन्नत इब्राहिम है अला नबीना अलैहिस्सलाम, उनमें अपनी कुछ ना कुछ उसमें अपना कुछ ना कुछ ख्याल करे, उसमें अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बनाए कि हमें अल्लाह ताला कल को मैदान आखिरत में, मैदान मैशर में अल्लाह ताला इसी के बरकत, इब्राहिम की सुन्नत के बरकत हमारी ज़िंदगी में हमारे जितने भी गुनाह होगा उसमें नजात अल्लाह ताला हमें दे देगा। ईद उल अज़हा पर जानवर की कुर्बानी की प्रथा दरअसल इस्लाम के पैगम्बर इब्राहिम से जुड़ी हुई है। इस प्रथा की शुरुआत जिस घटना से हुई उसका जिक्र यहूदी मजहब की किताब तोरा में पाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पैगंबर इब्राहिम को खुदा की ओर से अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का सपना आया। उन्होंने अपने बेटे को ये बात बताई जिसने अपने पिता को खुदा का हुक्म मानने के लिए कहा। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने वाले थे तब खुदा ने जिब्राइल नाम के फरिश्ते को हुक्म दिया कि वह जन्नत से एक भेड़ ले जाकर इस्माइल की जगह रख दे। इस तरह पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे की जगह भेड़ की कुर्बानी दी और ये रस्म यहीं से शुरू हो गई।